हाजिरीन आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज 53। कालापत्थर पीआई सुदूर मिश्रीगंज में 25 साल सना खानम, जिसकी लाश छत से लटकी हुई मिली। तफसीलात के मुताबिक सना की शादी हामिद नामी शख्स के साथ 4 साल पहले हुई थी, जिसके 2 मासूम लड़कियां भी है। सना के घर वालों का इल्जाम है कि उनका शौहर हामिद और उसके घर वाले रोज टॉर्चर किया करते थे। सना के घर वालों का इल्जाम है कि उनकी बेटी को सुसाइड नहीं बल्कि कत्ल कर दिया गया है। कालापत्थर पुलिस इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके सना खानम के शौहर और उसके घर वालों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आइए देखते हैं आगे की तफसीलात। देखिए, हमारी बहन 4 साल से तकलीफ में थी। हमारी बहन को लेके आ, लेके जाओ बोलता, कहीं को लेके आना, तेरी अम्मा घर को बोलते थे। बहन का नाम क्या? अम्मा सना, ऐसा खानम, सना खानम, सना खाना में ससुराल में पूरे आयशा खानम पुकारते उनको। पप्पू को बोले तो जब आते, जब तेरी अम्मा बहन आते रहते थे, चुप चुप घर को बोलते थे। मानो मैं भी मिलने गई तो कहीं को आती, तेरी हम बहन बोलते थे। फोन करे तो फोन पे बात नहीं करने देते थे, ना हमारे अम्मी से बात करते थे, तो ना हम लोगों से बात करने देते थे। बहन जब भी फोन करे, जब भी रो रो के बात करती थी, शोर मारता, शोर बाता करता, शोर ताने दे रहा। सास वैसी नंदा वैसी जिठानी वैसी थी उनकी, जिठानी बातें करती थी। रात में गिर गया ना मारू, रात में पैर फिसल के गिर गया, बल्कि बोले गिर गए, गिरा दी तो मारू, मार के ले गया घर में, छोड़ दिया मानो उनको। 4 साल और 2 बच्चिया है, एक 2 साल की एक है, अब 1 साल की होने आती। बच्चियों को लेके आने नहीं देते, बच्चियों को छोड़ के आ बोलते थे मानो। अम्मा का घंटे के वास्ते बुलाते थे, घंटे के वास्ते ले लेके चले जाते थे। कभी भी छोड़ा बोलते ताने देता था मानो। नहीं नहीं कर रहे, सब कंप्लेंट नहीं कर रहे। इनके इनका अगर ससुराल है या नहीं? ससुराल है, ससुराल है जी। हाँ, क्या नाम था इनका मरुआ था? सना खानम। सना खानम जी। इनके शोहर का नाम? हामिद हुसैन। और आपको इन लोग कोई ससुराल वालों के पास किसी की शक्ता? इनकी सास पे है, शोहर पे है, एक ननंद पे है, मजली साले का नाम है उसका, उसके ऊपर शक है। 4.5 या 5 अंदाजा वो टाइम पे ये अमजदुल्ला बैग मिश्रीगंज के बंदर में एक शादी हुआ, वो औरत जो हमिद सुसाइड है, ये हैंगे उनका शादी हुआ, 3 साल हुआ, 2 बच्ची है, वो भी बच्ची और उनका मर्द भी वो खास रिश्तेदार है उनका। जो मर गए सो औरत का बाप, उनका बाप और उनका मर्द का वो मम्मी सगा भाई बहन है। फिर भी क्या हुआ, 3 साल हुआ शादी हो गई, छोटा छोटा चीज़ों में ऐसा बीच में जो डिस्प्यूट है बोल के मालूम हुआ रहा। अब तक कंप्लेंट जो वो लिख रहे हैं, वो लिखाने के बाद वो केस जो है, तो वो केस के हम इन्वेस्टिगेशन करते करते और उसके केस में औरत को शादी 7 साल के पहले मर गए बोल के आरडीओ कोर्ट को हम एक रिक्वेस्ट देते, रेवेन्यू पीपल विल कंडक्ट इंक्वेस्ट बेसिंग ऑन द एविडेंस विल प्रोसीड। सर, अभी किसी को अरेस्ट किया है क्या? अभी नहीं, नहीं, अब तक अरेस्ट नहीं हुआ, अब कंप्लेंट ही नहीं आया। डेड बॉडी शिफ्ट करे, कंप्लेंट लेने के बाद केस रजिस्टर करते, कल सुबह रेवेन्यू वाला इंक्वेस्ट होने के बाद जब कार्रवाई शुरू हो। मेरी बच्ची को फांसी देख के मार दिए। मेरी बच्ची का नाम सना खानम है और 4 साल और 4th साल है मेरी बच्ची का शादी होके। कल गिरा के ला के छोड़े, आज बोले तो 1 बजे आके दवाखानों के लेके जा रहा हूँ बोला, फिर ला के छोड़ दिया। फिर 2 बजे आया, हामिद हुसैन, फिर लेके गया, लेके जाके मैं नहीं भी जा रही थी, नक्को जा माँ बोले तो, नहीं अम्मी बुला रहे ना, यशोदा को लेके जाते बोल रही, जा रही हूँ मैं बोल के गई। गई सो 1 घंटा 1.5 घंटा नहीं हुआ कि पूरे आप आजू बाजू वाले फ़ोन करके बोल रहे कि तुम्हारी बच्ची फांसी लेके मर गई। 1 घंटे में कैसा मेरी बच्ची मरती? हाँ, परसों हफ्ते के दिन आके क्या बोला, तुम्हारी बच्ची से मैं ज़बरदस्ती रिश्ता निभा रहा हूँ बोला। मैं उसकी हर मांग, मैं हर जिद पूरी करी, साल को 1 बार भी ला के छोड़ा, ठीक है बोली,
फोन पे बात नहीं करने दिया, ठीक है बोली, चल मेरी बच्ची खुश रही तो अच्छा है बोली। खास मेरे मर्द की बहन हो के बड़ी बहन हो के ऐसा करी मेरी बच्ची के साथ, उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ने लगा ना, वो जिंदा मार दिए मेरी बच्ची को। आज दो घंटे में मेरी दो बच्चियां हैं, तेरे को औरत बेटियां हैं, मेरे को औरत बेटियां पैदा करी बोल के टॉर्चर करे। तीन नंदा हैं, एक जिठानी, नामा क्या क्या लोगे, नामा भी बोलो, बेबी सालेहा, आसिया और खमर है सास, आखिरी खतरनाक है सास। इससे पहले भी ऐसा हुआ तो आपको कंप्लेंट किया मैं नहीं, आके फिर भी उन्हें बोली ये बाप है मेरा और ये बाप की एक लूती एक बहन है बोल के नहीं रिश्ता नहीं भाई उन्हें, फिर भी आज जिठानी के साथ रिश्ता जोड़ रहा था उन्हें। हामिद ये बच्ची मेरी चोरी पकड़ी तो लेके आके मेरे घर में छोड़ दे के गया जबरदस्ती, बोली अम्मी ये देखो ऐसा चैटिंग करे बोले तो क्या बोल रहा है, गिलास फेंक के मारूंगा तू रिश्ते तोड़ रही मेरे साथ बोल रहा ऐसा बोल के गया मेरे घर में बैठ के, चल तू रह जा बोल के घर पे से आके लेके गया। हाँ आके लेके गया, क्या बोला, क्या बोल के नीचे से लेके गया उन्हें, मैं दवाखाने को यशोदा को लेके जा रहा हूँ बोल के बोली अम्मा उसकी, उन्हें भी आया दो बजे दिन में, आज दो बजे वो इंतेला मिली मेरे, तीन बजे के अंदर चार बजे के अंदर इत्तला मिली मेरे, घंटे दो बजे, दो बजे ले गए, हाँ घंटे दो घंटे के अंदर चार बजे, चार बजे मालूम ही होगा पूरों के आजू बाजू वालों के फोन से, उनके फोन से भी नहीं मालूम हुआ, उन लोग अभी फोन करके नहीं बोले कि भाई आपकी आपकी बच्ची ऐसा हुआ, आजू बाजू वाले बोले